ये जो है ना, ये सिर्फ राइडिंग बूट्स नहीं है, दिस इज अ स्टोरी। 16 साल की लंबी कहानी है ये, और ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए 16 साल ना लगे। तो ये कहानी इन शॉर्ट सुनते हैं, और इसी के बीच में फिर आखिर में एग्जैक्टली कहाँ पे वो मैं अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि पूरा वीडियो देखो आप, तभी आपको पता चलेगा कि आपको बेस्ट राइडिंग बूट्स चूज़ करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स देखने हैं, और जैसा कि टाइटल में लिखा है 10,000 के अंदर कौन से राइडिंग बूट्स आपके लिए अवेलेबल है। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। सो एज आई सेड, दिस वीडियो इज अबाउट अ स्टोरी ऑफ ग्रोथ, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जहाँ से बाइकिंग एक इतना ही इसकी डेफिनेशन थी कि बाइकिंग मतलब बाइक पे घूमना, वहाँ से यहाँ तक। और राइडिंग बूट्स को मैं एज अ एग्जाम्पल या एज अ बेंचमार्क क्यों ले रहा हूँ, इसका एक ही रीज़न है, राइडिंग बूट्स इज़ द मोस्ट निग्लेक्टेड सेफ्टी गियर। आप हर चीज़ लेते हो लेकिन राइडिंग बूट्स पे ध्यान नहीं देते। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले 16 साल में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव लैंडेड माय हैंड्स ऑन अ राइडिंग बूट। सो देयर इज दिस वन सिंपल क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू, मतलब जवाब भी नहीं देने वाला हूँ बिकॉज दिस इज नॉट अ लाइव सेशन। सो द क्वेश्चन इज, हाउ डज अ बाइकर थिंक, बाइकर कैसे सोचता है। इट्स सिंपल, इट्स अ लॉन्ग थॉट प्रोसेस बट इट्स सिंपल, और 90% से ज़्यादा बाइकर्स की ये सोच एकदम सिमिलर आइडेंटिकल होती है एक दूसरे के साथ। सो आई टेल यू अबाउट इट बट आई शो यू दिस, ये फ्लो चार्ट देख के आप एक बाइकर की सोच आसानी से समझ सकते हो। बाइकर बनने के लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले उसके पास एक बाइक होती है, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स उसके पास एक हेलमेट होता है, सादा सा ISI मार्क वाला, एकदम सिंपल। इसके बारे में बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में कि आपको हेलमेट कौन सा लेना चाहिए, कौन सा चूज़ करना चाहिए, किस टाइप के हेलमेट्स होते हैं, ये सब हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए आपके पास बाइक है, आपके पास हेलमेट है, देन व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग यू अंडरस्टैंड कि आपको ग्लव्स होने चाहिए हाथ में, हाथ में ग्लव्स होते हैं तो अच्छा दिखता है। बस यही सोच होती है कि अच्छा दिखता है, तो आप एक प्रो बाइकर वगैरह के ऐसे सादे वाले ग्लव्स ले लेते हो। देन आफ्टर द ग्लव्स यू स्टार्ट राइडिंग विद द ग्रुप्स, जैसे ब्रेकफास्ट राइड्स वगैरह आजकल कल्चर बन चुका है, तो ऐसे राइड स्टार्ट करने के बाद आपको लगता है यार सेफ्टी गियर्स होने चाहिए, तो उसके बाद आता है ये चीज़, दिस बेसिक नी गार्ड्स और एल्बो गार्ड्स का सेट। अहेड फ्रॉम देयर व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग मोर विद द ग्रुप्स, आपको पता चलता है कि यार बाकी लोग थोड़े प्रोफेशनल दिखते हैं और यू आर लुकिंग अ बिट एमेच्योर और रूकी, तो उसके बाद आप नी गार्ड्स अपग्रेड करते हो, समथिंग विच लुक्स अ लिटल बल्की और लिटल मोर सॉलिड, ऐसा कोई नी गार्ड आप ले लेते हो। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप में राइडिंग जैकेट, क्योंकि दैट लुक्स प्रो। या आई एम टॉकिंग अबाउट लुक्स एंड एवरीथिंग इज अबाउट लुक्स। आई नो दैट देयर माइट बी सम पीपल हु डोंट एग्री टू दिस, बट दैट परसेंटेज इज वेरी लो। राइडिंग जैकेट लेने के बाद When you actually start riding long distances, आपको पता चलता है यार आपका हेलमेट जो है वो तो एक खिलौना है, फिर उसके बाद आप हेलमेट अपग्रेड करते हो, फिर मोर ऑफन देन नॉट उस हेलमेट पे लगाने के लिए एक एक्शन कैम आ जाता है, बिकॉज आजकल वीडियो तो चाहिए यार अपने को, तो एक्शन कैम आ गया। उसके बाद अगर आप एक्चुअल लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग सीरियसली लेते हो तो आप राइडिंग पैंट ले लोगे, इस बीच कहीं ना कहीं पर आपका बजट बन जाएगा, बाइक अपग्रेड हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होती रहती है। लेकिन इस पूरे सर्कल में अभी तक राइडिंग बूट्स कहीं भी नहीं आए, और उसका मेन रीज़न क्या है पता है, आपके सीनियर राइडर्स जिनको देख के या जिनसे पूछ के आप ये सब डिसीजंस ले रहे हो। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, मे बी इस कमेंट के लिए मुझे थोड़ा बैकलैश भी मिलेगा सीनियर राइडर्स से, लेकिन ये सच है। आप जब सवाल पूछते हो ना कि मुझे राइडिंग बूट्स कौन से लेने चाहिए, मोर ऑफन देन नॉट अनफॉर्चुनेटली आपको जवाब क्या मिलेगा पता है, यार लद्दाख स्पीति वगैरह जाना है तो उधर कोई भी राइडिंग बूट काम नहीं आते, तो एक काम कर मनाली जाके 300 रुपये के गमबूट ले ले, यही जवाब मिलता है। और अगर यहाँ पे आपको लोकल राइड्स करने हैं, ब्रेकफास्ट राइड करने हैं, तो क्यों यार इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज़ ले ले, 1,000 रुपये में आ जाएंगे, उसमें भी स्टील टो होता है। तो द मेन रीज़न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये गलत गाइडेंस ना मिले, आपको कोई गलत इन्फ्लुएंस ना मिले, और आप जितना जल्दी राइडिंग करियर में पूरा राइडिंग सेफ्टी जो किट है आपका वो कंप्लीट कर लो, इंक्लूडिंग द बूट्स। सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट चूजिंग द राइडिंग बूट्स।
राइडिंग बूट्स आप चूज जब करते हो, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे राइडिंग बूट्स लेने हैं, तो कौन से लेने हैं। नाउ आई टेल यू सम पॉइंट्स कि जो आपको देखने चाहिए व्हेन यू आर चूजिंग द राइडिंग बूट्स। इट्स नॉट अबाउट ब्रांड्स, इट्स नेवर अबाउट ब्रांड्स, ब्रांड बहुत बाद में आते हैं। सेफ्टी फीचर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक राइडिंग शूज में, राइडिंग बूट्स में क्या होना चाहिए, अगर वो चीज़ें हैं तो वो किसी भी ब्रांड का बूट रहे आपको वो क्राइसिस सिचुएशन में सपोर्ट करेगा। राइडिंग बूट्स का प्राइम पर्पज़ है आपके पैरों को प्रोटेक्ट करना, और प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेफ्टी फीचर्स उसमें होते हैं वही सबसे पहले हमें देखने हैं। सबसे पहला सेफ्टी फीचर है टो प्रोटेक्शन, आपके टोज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें क्या है। सेकेंड इज हील प्रोटेक्शन, हील एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है आपका एंकल सपोर्ट, एंकल प्रोटेक्शन कैसा है। शिन गार्ड, शिन प्रोटेक्शन कैसा है, शिन मतलब ये एरिया, इस एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करता है। एंकल सपोर्ट जो मैंने बोला उसके बारे में एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, एंकल सपोर्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप स्किड करते हो या ऑफ बैलेंस होते हो, गाड़ी से गिरने की एक्सीडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, जनरली आप कहीं पे ऑफ बैलेंस भी होते हो ना तो पैर ट्विस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जिस बूट में एंकल सपोर्ट है वो आपके पैरों को ट्विस्ट नहीं होने देगा। सो एंकल सपोर्ट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फीचर दैट यू शुड लुक फॉर व्हेन यू आर चूजिंग अ राइडिंग बूट। देन अपार्ट फ्रॉम दीज फोर, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्लाइडर प्लेट। बूट के आउटसाइड में यहाँ पे इस एरिया में एक स्लाइडर प्लेट आती है मेटल की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए होगी जिनको कॉर्नरिंग करना पसंद है। आप ज़्यादा लीन करते हो, कॉर्नरिंग करते हो, या फिर आप रेस ट्रैक्स पे बाइक चलाने वाले हो, तो यू मस्ट लुक फॉर अ बूट जिसमें स्लाइडर प्लेट हो। ऑफकोर्स फॉर टूरिंग ऑल्सो स्लाइडर प्लेट होना इज़ अ गुड थिंग, बट उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे है जहाँ पे आप कॉर्नरिंग करते हो या फिर लीन होते हो, इतना कि ये पार्ट आपका ब्रश हो सके नीचे। देन द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू लुक फॉर इज द सोल, इसका ग्रिप कैसा है, क्योंकि कितना भी भले वो डेडिकेटेड राइडिंग बूट हो, आप बाइक पर से उतर के थोड़ा तो डिस्टेंस चलोगे ही उसके साथ, तो चलते टाइम भी उसने आपको सपोर्ट करना चाहिए। ऑफकोर्स एंकल सपोर्ट वाला जो बूट रहेगा ना वो स्टिफ रहता है तो उसमें चलना मुश्किल होता है उतना, बट देन यू हैव टू स्टिल लुक फॉर अ एंटी स्किड सोल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू चेक इफ द बूट इज वाटरप्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस और नॉट। वाटर रेजिस्टेंट एटलीस्ट उस बूट को होना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग डिस्टेंस जब दिन भर ट्रैवल करते हो, बीच में थोड़ा सा कहीं पे बारिश आ गई या फिर कहीं पे आपको पानी में पैर रखना पड़ा, तो वो पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। तो वाटरप्रूफ होना या वाटर रेजिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन देयर इज अ लास्ट पार्ट, उस पर रिफ्लेक्टर सरफेस कितना है। शूज़ आफ्टर ऑल इट्स अ पार्ट ऑफ योर राइडिंग गियर, योर सेफ्टी गियर्स। जैसे जैकेट में या पैंट में आप रिफ्लेक्टिव पैचेस देखते हो, वैसे ही शूज़ में भी रिफ्लेक्टिव पैचेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू लुक फॉर व्हेन यू आर चूजिंग अ राइडिंग बूट, मेड बी ब्रांड एक्स वाई और जेड। अगर ये सारे पॉइंट्स वो टिक करता है तो आप उसको चूज़ कर सकते हो, इट विल बी गुड फॉर यू फॉर एनी काइंड ऑफ राइड्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, जो टाइटल में आपने पढ़ा है, मोस्ट प्रोबेबली जो पढ़ के आप इस वीडियो में आए हो, दैट पार्ट इज व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल अंडर 10,000 रुपीज़। बिकॉज आई अंडरस्टैंड राइडिंग बूट्स इज अ कॉस्टली अफेयर। आप देखते हो, गूगल पे सर्च करते हो तो सबसे पहले आपको दिखता है यार डेडिकेटेड राइडिंग बूट जो है 10-15 हज़ार के ऊपर ही है सब। एंड दैट इज़ वन ऑफ द प्राइम रीजन्स कि राइडिंग बूट्स को सबसे लास्ट में रखा जाता है प्रेफरेंसेस में। तो आज मैं आपको वो ऑप्शंस दिखाने वाला हूँ एक साथ कंपेयर करके, जो आपके लिए 10,000 के अंदर अंदर अवेलेबल है। राइडिंग बूट्स को पॉपुलैरिटी के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कम फेमस मतलब कम पॉपुलर, मॉडरेटली पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पॉपुलर। ये कैटेगराइजेशन शायद आपको किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले देखते हैं जो सबसे कम पॉपुलर है। पॉपुलर मतलब जो राइडिंग सीरियस राइडर्स है ना उनमें भी कम पॉपुलर है और ओवरऑल भी कम पॉपुलर है, वो है शॉर्ट बूट्स। अभी मैं किसी भी बूट का रिव्यू नहीं देने वाला हूँ यहाँ पे, तो उससे अच्छा है कि मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ। इस चार्ट में आपको 10,000 के अंदर जो अवेलेबल है वो सारे शूज़ दिखेंगे एक साथ, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जो बैठते हैं उसके प्राइजेस है, और जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए कि सेफ्टी फीचर्स जो जो होने चाहिए बूट्स में, वो सारे सेफ्टी फीचर्स उसमें है या नहीं, ये सब आपको इस चार्ट में एक साथ देखने मिलेगा। तो अगर ये चार्ट आप देखते हो तो आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है। डोंट वरी, आपको ये चार्ट्स यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो लिंक है वो लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। वेबसाइट पे इसी टॉपिक पे आर्टिकल है, दिस इज़ द लिंक टू दैट आर्टिकल ओनली। इस आर्टिकल में आपको ये सारे चार्ट्स आपको डाउनलोड के लिए मिल जाएंगे। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ लेस पॉपुलर बूट्स, वो है शॉर्ट बूट्स या मिड राइज बूट्स, मतलब जो आपके एंकल तक ही आते हैं, इतना ही होता है ये शू। इतने जो शूज़ होते हैं
उसमें आपको 10,000 के अंदर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और इन ऑप्शंस में आप देखोगे तो आपको एक बात स्ट्राइकिंगली पता चलेगी कि इसमें से कोई भी बूट आपको शिन प्रोटेक्शन नहीं देगा। फॉर ऑब्वियस रीजंस ये बूट शिन तक पहुँचते ही नहीं है, ये शिन के नीचे ही ख़त्म होते हैं, तो शिन को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। सो यस, दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। ये लेस पॉपुलर इसलिए क्योंकि जो सीरियस राइडर्स हैं जिनको राइडिंग बूट्स के बारे में पता है वो लोग ये जानते हैं कि शिन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो लोग इन शूज़ को प्रेफर नहीं करेंगे। और जिसको सिर्फ लुक्स के बारे में देखना है वो सोचेगा यार राइडिंग बूट अगर मैं ले रहा हूँ ना तो वो राइडिंग बूट जैसा एकदम प्रो दिखना चाहिए, तो प्रो दिखने के लिए भी आपको वो लॉन्ग राइडिंग बूट्स ही प्रो दिखेंगे। सो दैट इज़ अनदर रीज़न कि ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो दीज आर द बूट्स अवेलेबल फॉर यू अंडर 10,000 रुपीज़ इन शॉर्ट एंड मिड राइज कैटेगरी। सेकेंड एंड मॉडरेटली पॉपुलर कैटेगरी इज द लॉन्ग बूट्स, जो मैंने ये हाथ में पकड़ा हुआ है, दिस इज़ अ लॉन्ग बूट। इसमें आपको बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है। दिस वन इज XDI WP2, ये 8,200 रुपीज़ का बूट है, और इसके अलावा ये सारे बूट्स आपके लिए अवेलेबल है इस कैटेगरी में। मेक अ नोट, यहाँ पे मैंने सोलेस के भी दो बूट्स इंक्लूड किए विच आर अबाउट 10,000, बट इंस्टाग्राम पे जब मैंने हिंट दिया था कि मैं राइडिंग बूट्स पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे एक फॉलोअर ने मुझे DM किया था कि प्लीज़ इंक्लूड सोलेस एंड शिमा बूट्स इन दिस डिस्कशन। तो सोलेस तो मैंने इंक्लूड कर लिया है, लेकिन शिमा के जो बूट्स है वो 17,000 के ऊपर है, तो वो इस कैटेगरी में मैं डिस्कशन के लिए नहीं ले सकता। दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं शिमा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सोलेस के ये दो ऑप्शंस आपके लिए 11,000 के अंडर अवेलेबल है। इन जनरल अगर आप देखोगे तो जो लॉन्ग बूट्स है वो राइडिंग बूट्स के सारे सेफ्टी फीचर्स उसमें होते हैं। सो आइडियली इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन अ राइडिंग बूट, गो फॉर दीज बूट्स, एनी ऑफ दीज। आई एम नॉट सेइंग दिस वन इज़ गुड, दिस वन इज़ बैड, सारे अच्छे हैं। आपके सामने सारे फीचर्स मैंने टिक मार्क करके रखे हुए हैं, आप चूज़ करो इसमें से कौन सा लेना है, लेकिन राइडिंग बूट अगर लेना है तो यू शुड गो फॉर दीज बूट्स। बट ये वीडियो में जब बट आ जाता है तो ऐसा सस्पेंस बन जाता है ना, लेकिन ये सस्पेंस आपको एक्चुअली इम्पॉर्टेंट लगेगा जब मैं बताऊंगा कि अभी यहाँ से आगे जो मोस्ट पॉपुलर राइडिंग बूट्स है वो कैटेगरी अभी बची है, वो कैटेगरी अभी तक हमने डिस्कस की नहीं है। सो द मोस्ट पॉपुलर राइडिंग बूट्स आर दीज, अनफॉर्चुनेटली ट्रू, 90% ऑफ द राइडर्स आर यूजिंग दीज बूट्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, क्लासिक आर्मी स्टाइल बूट्स, या फिर कोई भी जिसको शूज बोल सकते हो, ऐसा कुछ भी, कैनवास शूज, स्पोर्ट शूज, ट्रैकिंग शूज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप खुद देखो उसमें सेफ्टी फीचर्स क्या है। बट अनफॉर्चुनेटली 90% और इवन मोर देन दैट राइडर्स आर यूजिंग दीज बूट्स, एंड दिस इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। द ओनली पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज प्लीज अपग्रेड एज सून एज पॉसिबल। अगर आपके पास इसमें से कुछ भी है तो अपग्रेड करिए, गेट योर हैंड्स ऑन वन ऑफ द प्रॉपर राइडिंग बूट। और अगर आप नया नया राइडिंग चालू कर रहे हो एंड यू लुकिंग फॉर गुड सेफ्टी गियर्स टू परचेस वेन यू आर स्टार्टिंग राइडिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई अप्रिशिएट, आई रियली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, बिकॉज आप एकदम सही टाइम पर ये बात सोच रहे हो कि आपको क्या क्या लेना चाहिए। दीज आर द राइडिंग बूट्स यू शुड गेट, एंड आई होप इस वीडियो में से मैंने आपको एटलीस्ट कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी होगी जिससे आप सही तरह का एक डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन से राइडिंग बूट्स लेने हैं। मैंने खुद दो बार लद्दाख किया है स्पोर्ट्स शूज़ पहन के, एक बार लद्दाख किया है आर्मी बूट्स पहन के, एक बार उत्तराखंड राइड किया आर्मी बूट्स पहन के। उसके बाद उत्तराखंड में जब मेरे आर्मी बूट्स ख़राब हुए तो वहाँ से पिछले 6-7 महीने में अभी जो पहने हैं ना ये ट्रेकिंग शूज़ पहन के राइड कर रहा हूँ। सो मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ। मैंने 16 साल गलत डिसीजंस लिए हैं और आप मत लो, बस इतना ही मुझे बताना है। अगर इस वीडियो को देख के आप इस 10% में आ जाते हो तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सक्सेसफुल हुआ, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको 10,000 के अंडर अफोर्डेबल राइडिंग बूट्स जो अवेलेबल है वो सब दिखाने थे, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राइडिंग बूट्स आपको क्यों लेनी चाहिए ये आपको बताना था। इफ़ यू हैव लाइक दिस इन्फॉर्मेशन एंड इफ यू हैव गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है काउंटिंग किलोमीटर्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब आप करोगे ना तो YouTube को पता चलता है कि मैं अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ। अगर अच्छे वीडियोस मैं बना रहा हूँ और लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो ही YouTube मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज़ हाउ अ चैनल ग्रोज। सो प्लीज़ इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आया है ये इन्फॉर्मेशन तो प्लीज़ शेयर इट अक्रॉस योर सर्कल्स। विद दैट सेड, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।